इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सफाई कर्मचारियों की बैठक संपन्न हो गई है। सफाई कर्मचारियों और सरकार की वार्ता विफल रही है। तो देखिए ये चिंता भरी खबर अब सामने आई है। 3:30 बजे मंत्री महेश जोशी की अध्यक्षता में दोबारा वार्ता होगी। सफाई कर्मचारियों की तरफ से आपको बता दें कि कल आंदोलन का प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया था और उसके बाद आज सफाई कर्मचारियों की बैठक यहां पर थी रेलवे के साथ और सफाई कर्मचारियों और सरकार की जो वार्ता है वो विफल रही है। एक दौर की वार्ता आज हुई है जो कि विफल रही है। अब आपको बता दें कि 3:30 बजे मंत्री महेश जोशी की अध्यक्षता में दोबारा से वार्ता होगी। उनसे बातचीत हुई है, उनका ये है कि सब जितना जल्दी हो जाए हमारे भर्ती की विज्ञप्ति की कार्य प्रक्रिया चालू हो जाए। तो हमने काफ़ी अच्छे इनसे एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। अभी 3:30 बजे नगर निगम हेरिटेज में मीटिंग दोबारा से रखी है, उसमें वहाँ जाएंगे फिर इसमें आगे का जो भी समझौता होगा वो कर्मचारियों के बीच होगा। इसलिए अभी 3:30-4 बजे हमारे यूनियन के संरक्षक माननीय महेश जी जोशी साहब भी कर्मचारियों के बीच आएंगे और अधिकारी भी कर्मचारियों के बीच आएंगे। वो वहाँ जो भी निर्णय होगा वो कर्मचारियों के समक्ष निर्णय होगा, समझौता वार्ता की जाएगी। अगर कर्मचारियों को जो वार्ता की गई है वो कर्मचारियों को स्वीकार होगी तो हड़ताल समाप्त हो जाएगी, अगर कर्मचारियों को स्वीकार नहीं होगी तो कर्मचारी यथावत हड़ताल जारी रखेंगे। और देखिए इस खबर पर हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा अपडेट दे पाएंगे। दिनेश, आज के जो मीटिंग है उसमें पहले दौर की मीटिंग हुई और उसमें विफल रही है मीटिंग, अब दूसरे दौर की मीटिंग होगी उसमें क्या कुछ होगा वो यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन बात अगर नहीं बन जाती है तो पूरे प्रदेश के लिए काफी चिंता वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए अंकुर, ये बड़ी चिंता की बात है कि अगर कहीं ना कहीं सफाई कर्मियों के साथ सरकार की वार्ता सफल नहीं होती है तो ये बड़ा चिंता का विषय होगा, क्योंकि जो कचरा प्रबंधन है वो पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुका है, सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है और बेपटरी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन इस चिंता के विषय पर डीएलबी भी पूरी चिंताजनक कार्रवाई कर रही है, इसलिए वार्ता एक दौर की हो चुकी है और दूसरे दौर की भी वार्ता बैक टू बैक रखी गई है। शायद ये ही एक कारण है कि इतनी बड़ी चिंता की वजह से डीएलबी इसको जल्दी से जल्दी निस्तारण करने में लगी हुई है और इसीलिए दूसरे दौर की वार्ता भी इन्होंने बैक टू बैक रखी है। और दूसरे दौर की वार्ता में मंत्री महेश जोशी जो कि ये कह सकते हैं कि दो तरह से वो अपना पहलू निभाएंगे, मंत्री महेश जोशी सरकार के प्रतिनिधि भी हैं तो दूसरा सफाई यूनियन के संरक्षक भी हैं, जो संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ है जो जिसके नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है उसके संरक्षक भी महेश जोशी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये वार्ता सफल होने के चांस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि एक दूसरी तरफ जो डीएलबी के निदेशक हैं हरदेश कुमार उनसे भी जब बात हुई तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी पॉजिटिव संकेत दिए हैं, क्योंकि मांगों पर विचार किया जा रहा है। और ठीक है, तो 3:30 बजे देखिए एक और वार्ता होनी है मंत्री महेश जोशी के साथ और उस वार्ता में संभव है कि जो हड़ताल है वो खत्म हो जाए। दिनेश, बहुत